बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे इज़ ट्यूसडे एंड द डेट इज़ 30। टुडे वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फिफ्थ में भी, इसलिए आप लोगों को आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। हमने इनके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी वो टेबल जिनके ऊपर वो में जिनमें वो वाला डिजिट जो हमें गिवन है, ठीक है, वो आता है। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लें तो उसमें उसने हमें 8 और 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करके कॉमन फैक्टर्स निकालने का कहा है, ठीक है। अब हमने 8 के टेबल को 8 को देखना है कि किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में आता है। पिछले लेक्चर में आप लोगों को इसका मेथड बताया गया था कि किस तरह से आप लोगों ने इनको निकालना है, ठीक है। इसी तरह 12 कौन कौन सी टेबल में आता है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 में, ठीक है। अब देखिए इनकी पेयरिंग कर दी गई है 1, 2 और 4, ठीक है। जहाँ जैसे इनकी पेयरिंग कंप्लीट होती है हमें पता चल जाता है कि वो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 2 और 4 आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट 5 है 20 और 30। 20 का देखिए कौन कौन सी टेबल में आता है, 1, 2, 4, 5, 10 और 20 में आता है। इसी तरह 30 कौन कौन सी टेबल में आता है, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इन टेबल्स में ये 30 जो है वो हमारे पास आता था, ठीक है। अब हमने इसकी भी पेयरिंग करनी है, तो 1 की हो रही है, 2 की हो रही है, 5 का पेयर बन रहा है और इसी तरह 10 का भी पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब है कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, 1, 2, 5 और 10 आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो बताने हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है और इसके कॉमन फैक्टर्स में से ढूंढ के बताना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, पहले फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 43। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों को करवा रही हूँ, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसके अंदर देखें 25 कौन कौन से टेबल में आता है, 1, 25 द 25 होता है 1 के और 5, 5 द 25, तो 1, 5 और 25 के तीन टेबल्स हैं जिनमें 25 आता है। इसी तरह 45 1, 5, 9 और 45 के टेबल में आता है। अब इनके पेयर्स बनाएंगे हम तो 1 और 5 का बनता है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, 5 बन रहा है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। यानी ये इसमें से जो बड़ा है वो कौन है, वो 5 है, तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है आप लोगों को करवाया हुआ, 22, 44 और 66, ठीक है। 22 कौन कौन से टेबल में आता है, 1, 2, 11 और 22 में आता है। इसी तरह 44 किस किस टेबल में आता है, 1, 2, 4, 11, 12 और 44 में आता है। इसी तरह 66 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 और 66 में आता है, ठीक है। अगर हम इन चीज़ इसको देखें तो अमूमन जो है हमारे पास ये इवन नंबर्स में इसके नंबर्स जो हैं ये आते हैं, ठीक है। यानी काउंटिंग वाइज अगर हम देखें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह ये इवन नंबर्स में आते हैं, क्योंकि अपने पेयर्स जो हैं वो बना के फिर हम इसको राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर बताया गया था। इसी तरह आप देखिए इनके कॉम किन की पेयरिंग किस किस तरह हो रही है, ग्रुप्स किसके बन रहे हैं, 1 जो है वो तीनों में है, 2 तीनों में है, 11 तीनों में है और 22 तीनों में है। इसलिए 1, 2, 11, 22 जो है ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं और इनमें सबसे बड़ा कौन है, 22, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो उसने कहा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हमने यूज़ करना है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, 36 और 54 का जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। 36 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 18s are 36, फिर 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो इसके कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास डिजिट्स, इसमें आ रहे हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, ठीक है। यानी ये वाले जो हैं हमारे पास इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास बनते हैं इसके, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। इसी तरह 54 है तो इसका 2 27s are 54, फिर 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, ठीक है। इनको भी अगर हम राइट करें तो 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 आ रहा है, ठीक है। अब इनको मैंने एक दोबारा राइट किया है, 36 के सामने ये सारी इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी और 54 के सामने इसकी ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी, ठीक है। इनकी पेयरिंग करेंगे तो ये 2 आ रहा है 3 आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 2 6 और 6 3 18, ठीक है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आ गया, 18 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो हम लोगों ने ये वाला मेथड जो है यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। जब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है
तो हमने जब सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं ठीक है, तो फिर हमारे पास ये वाला मेथड होगा। आप लोगों ने इन दोनों का ध्यान से मतलब इसको समझ के इनको डिस्टिंग्विश करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है, सेवन्थ वाला पार्ट ठीक है। 16, 54 और 84 ये उन्होंने दिए हैं। 16 की 5 प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 8 दस 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें क्योंकि उसके लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह नेक्स्ट है 54, 2 27 ज़ा 54, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 2 3 3 और 3 ठीक है। इसी तरह 84 है तो 2 42 ज़ा 84, 2 21 ज़ा 42 और 3 7 21 हमारे पास आ रहा है। तो इसके क्या बन रहे हैं, 2 2 3 और 7 आ रहे हैं। अब इनके हम ग्रुप्स बनाते हैं, देखें तो सिर्फ 2 जो है इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन फैक्टर ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कंसीडर होगा ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ रहा है। ओके सिक्स क्लास, अभी देखें 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो कहता है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवी एन मेथड मेथड ठीक है। लॉन्ग डिवी एन मेथड के थ्रू हमने करना है इसको। ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अब देखें सबसे पहले सेकंड पार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये है 63 और 112 ठीक है ना। अब इनके दरमियान अगर हम देखें तो जो बड़ी वैल्यू है ज़ाहिर है वो अंदर आनी है हमारे पास ठीक है, और डिवाइड कौन करेगी जो छोटी वैल्यू होगी ठीक है। तो हमारे पास 63 जो है ये डिवाइड करने के लिए बाहर आ जाएगा। अब 63 वन ज़ा 63 आ रहा है ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद 49 हमारे पास आता है इसको। फिर आगे हमने जो अब 49 जो है वो 63 से छोटा हो गया, तो अब 63 को हमने अंडर ले आना है ठीक है नेक्स्ट स्टेप में। और फिर 49 वन ज़ा 49 आ रहा है ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 63 में से 49, तो हमारे पास 14 आ रहा है। अब 14 जो है फिर छोटा हो गया 49 से, तो 49 ने अंदर आ जाना है ठीक है। अब 43 42 हमारे पास आ जाता है ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 7 आंसर निकल रहा है इसका ठीक है। अब 7 छोटा हो गया 14 से, तो 14 ने अंदर आ जाना है ठीक है। 7 2 14 यानी अभी पूरा डिवाइड हो रहा है। जो लास्ट डिवाइजर था हमारे पास ठीक है, वो ही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो ये वाला 7 जो है ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट 5 है हमारे पास 405 और 513 ठीक है। बड़ी वैल्यू 513 है, ये अंदर आ जाएगी, 405 इसको डिवाइड करेगा ठीक है। तो हमारे पास 405 वन ज़ा 405 आ रहा है। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास 108 आ गया। अब ये वैल्यू छोटी होगी 405 से, तो 405 अंदर आ जाएगा। 108 3 ज़ा 324 आ रहा है हमारे पास। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 81 आंसर निकल रहा है। अब 81 जो है ये छोटा हो गया, 108 बड़ा हो गया, तो 108 अंदर आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा। 81 81 वन ज़ा 81 हमारे पास आ रहा है, पास आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 27 आता है। अब 27 छोटा हो गया, तो 81 हमारे पास अंदर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और 27 थ्री ज़ा 81 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जहाँ पूरा डिवाइड हो जाएगा वहीं हमारे पास आंसर आएगा। जो लास्ट डिवाइडर था वो हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी 27 जो है अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है ठीक है। ये 3 डिजिट्स वाला है, यानी ट्रिपल डिजिट्स वाला है। इसमें से इसका रूल है एक होता कि पहले हमने सबसे बड़ी वाली दो वैल्यूज़ जो हैं वो देखनी है कौन सी हैं ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी है 1302 यानी 1302 ठीक है। इसको हमने अंदर रख लेना है, और इससे छोटी जो है 341 इसको उससे डिवाइड करेंगे इसको ठीक है। तो 341 जो है हमारे पास बाहर आया है, ये डिवाइजर है, डिवाइड करेगा इसको ठीक है। तो 341 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1023 आता है हमारे पास। तो इसके साथ इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1302 से, ये 1302 से, तो हमारे पास 279 आता है। अब 279 छोटा हो गया, 341 जो है हमारे पास बड़ा है, तो 341 अंदर आ जाएगा। और 279 वन ज़ा 279 आ रहा है ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 62 आ रहा है, 62 छोटा हो गया, तो 279 हमारे पास अंदर आ जाएगा। 62 फोर ज़ा 248 जो है हमारे पास आ जाता है ठीक है। तो 31 इसमें से हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है। अब 31 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 62 जो है वो हमारे पास अंदर आ जाएगा। 31 इसको डिवाइड करेगा 62 तो को, तो 31 टू या 62 आता है। इस तरह हमारे पास इसका जो लास्टली इसको जिसने डिवाइड किया वो हमारे पास क्या है, 31 हमारे पास आ रहा है। तो वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा किसका, इन दो वैल्यूज़ का जिनको अभी हमने वर्किंग में लेके आए थे ठीक है, 341 और 1302 को।
अब उसके बाद हमने इसको इसका जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है 31, इसी को हमने यूज़ करना है लास्ट वाली वैल्यू को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो 31 जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा, 155 जो है वो डिवाइड होगा उससे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 31 5 ज़ा 155 आ रहा है। इसका मतलब है कि 31 जो है ये इस वाली वैल्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर वो इसको भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो यही बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इन तीनों वैल्यूज़ का 31 जो है वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड बाकी के सारे क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के 3.4 के वो आप लोगों को होमवर्क में मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं 3.5। इसमें उन्होंने पहला वाला जो क्वेश्चन दिया उसने कहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर बाय फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स, यानी जैसे पहले हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाला था मल्टीपल्स के थ्रू, अब इसको भी निकालेंगे, ठीक है। वो फैक्टर्स के थ्रू निकाला था, यानी टेबल्स पढ़ा था, ये मल्टीपल्स है। मल्टीपल का मतलब होता है कि हमने उस चीज़ का टेबल पढ़ना है, फैक्टर का मतलब होता है कि वो कौन कौन से टेबल में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना, इसी में स्टूडेंट ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। मल्टीपल मल्टीप्लाई से निकला है, ठीक है, यानी टेबल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, मतलब वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जाती हैं। और जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जो जिन टेबल्स के अंदर वो वाला डिजिट जो है वो हमारे पास आ रहा होता है उसका, इसलिए वो उसके फैक्टर्स जो है वो कहला रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 5 इधर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो करवाने लगी हूँ आप लोगों को, 5 और 6 दिया हुआ, पहले 5 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 5 बंदा 5, अभी आप लोग 9 या 10 तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे आप लोग 101 जो है उसका निशान लगा सकते हैं। इसी तरह 6 जो है उसका टेबल भी वहाँ तक पढ़ें जहाँ तक ये 5 की लास्ट वैल्यू को जो है वो कवर कर दें, ठीक है। 9 तक पढ़ना है तो 9 तक पढ़ लें, वरना उससे कम पे भी रहेंगे तो वो भी सही है, यानी आप 48 54 यहाँ तक हम कर सकते थे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले देखना है कि जितने भी इसके पेयर्स फॉर्म होंगे वो सारे पेयर्स हमने निकाल लेने हैं इसमें से, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर से जो सबसे छोटा वाला होगा वही हमारे पास लास्ट जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा। अब यहाँ से हमारे पास निकल ही एक रहा है 30, तो इसका मतलब है एलसीएम ही हमारे पास 30 है। इसी तरह इसी का पार्ट 10 है, 2 6 और 9 दिया हुआ है, 2 के मल्टीपल्स पढ़ने हैं, मैंने इसको 2 10 20 तक लेके गई हूँ, ठीक है। इसी तरह 6 को पढ़ेंगे तो हमने बस वहाँ तक देखना है जहाँ तक हमारा लास्ट डिजिट यानी 20 जो है वो कवर हो जाए इसके अंदर। तो ये हमने 4 डिजिट तक ही निकाला है, 6 4 20 4 यहाँ तक काफ़ी है ना, फैल। इसी तरह 9 3 20 7 उस वो वाला डिजिट इसके बीच में आ गया भाई जिसको कंपेयर करना है, तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। यानी ये देखिए ये 20 की रेंज के अंदर आ रहे हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो एलसीएम जो है वो एक ही निकल रहा है हमारे पास, इसके और कोई भी मतलब मल्टीपल वो जो मल्टीपल्स के पेयर्स जो हैं वो फॉर्म नहीं हो रहे हैं और कोई भी ग्रुप्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये एक ही निकल रहा है तो यही हमारे पास लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल जो है वो होगा। अगर एक से ज़्यादा निकल आते हैं हमारे पास बिलफर्स तो फिर उनमें से हम सबसे छोटा वाला जो है उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उसका नाम देते हैं। अब यहाँ पे है ही एक तो यही हमारे पास एलसीएम या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो निकला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6th क्लास 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने पहले किया हुआ है, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका पार्ट 2 मैंने लिया है, पहले 16 और 40 दिया हुआ, ठीक है। 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2, ठीक है, ये आ गए हमारे पास। इसी तरह फिर 40 के हैं तो 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5, 2 2 2 और 5, ये हमारे पास आ गए। अब देखिए इनको फिर दोबारा मैंने राइट किया है, 16 2 2 2 2 2 और इसी तरह 40 के साथ 2 2 2 2 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके पेयर्स निकालने कितने हैं, तो ये एक पेयर आ गया 2, दूसरे पेयर का ये 2 आया, तीसरे पेयर का 2 ये आ गया, ठीक है हमारे पास। अब ये जो 2 मैंने टिक मार्क किए हैं वैसे निशान के लिए, ये वाले 2 भी हमने साथ लिख लेने, यानी जिनका पेयर नहीं फॉर्म हुआ वो जितने डिजिट्स बच गए हमें, ठीक है, वो सारे हमने दोबारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखने हैं। तो ये 3 पेयर्स का 2 2 2 और फिर इसका 1 और ये 5, ठीक है। इन सारों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 हमारे पास इसका आंसर आता है जो कि एलसीएम है, ठीक है। इसी तरह इसका 10th पार्ट जो है वो देखें, 25 35 और 45, ये 3 दिए हुए हैं। 25 का हमने पहले प्राइम फैक्टर्स निकाली है, फिर 35 के निकाले हैं तो ये आ गए। इसी तरह यानी
25 के 5 फाइव या 25 होते हैं, 5 वंस या 5, 35 के 5 सेवन या 35, फिर 7 वंस या 7। इसी तरह 45 के हैं हमारे पास 5 नाइन या 45, 3 थ्री या 9 और 3 वंस या 3, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गए। अब 25 के राइट किए हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 35 के 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 45 के 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इनका LCM पहले हमने देखना है, तो सबसे पहले हम देखने की ग्रुपिंग किस में हो रही है, तो ये 5 ए ग्रुप का आ गया। इसके अलावा अब ये जो चार डिजिट्स बच गए हैं, ये चारों भी हमने लिख देने हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कॉमन को हमने एक दफ़ा लिखना होता है, बाकी सारे हमने इकट्ठे करके लिख देने होते हैं। तो LCM हमारे पास आ जाता है 1575 इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है फाइंड LCM बाई यूजिंग द डिबियन मैथड। डिबियन मैथड ये वाला आप लोगों ने किया हुआ है, इसके अंदर हमने 1845 और 63 को रखा। पहले हमने ऐसा टेबल ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो 3 के टेबल में 3 6 ज़ा 18, 3 15 ज़ा 45 और 3 21 ज़ा 63, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसी तरह फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21 आ रहा है। अब देखिए अगर इसमें से कोई दो टेबल्स भी इकट्ठे जा रहे होते तो हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, अगर कोई भी नहीं इकट्ठा जा रहा, सारे अलग अलग हैं, प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो फिर हमने इसको फर्दर डिवाइड नहीं करना, बल्कि इन सबको यहाँ पर राइट कर लेना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये वाली सारी वैल्यूज लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 360 आंसर आ गया, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका LCM है। इसी तरह आगे हमारे पास है लास्ट पार्ट जो इसका दिया हुआ है, सिक्स पार्ट, 144, 180 और 300, इसको भी इसी तरह डिवाइड करेंगे, 272 ज़ा 144, 290 ज़ा 180, 2150 ज़ा 300, फिर 236 ज़ा 72, 245 ज़ा 90, 275 ज़ा 150, फिर 312 ज़ा 36, 315 ज़ा 45 और 325 ज़ा 75, फिर 34 ज़ा 12, 35 ज़ा 15 और 3 के टेबल पे 25 नहीं जाता तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसी तरह 5 के टेबल में 4 नहीं आता तो 4 वैसे ही आ जाएगा, और फिर 5 वन ज़ा 5 और 5 फाइव ज़ा 25, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे राइट करके, तो 3600 जो है वो हमारे पास LCM निकल रहा है। इसी का फोर्थ पार्ट मैंने आप लोगों को एक और करवा दिया है, ये 210, 140 और 315 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए 5 के टेबल पे ये तीनों जा रहे हैं, 42 ज़ा 210, 5 28 ज़ा 140 और 5 63 ज़ा 315। इसी तरह 7 के टेबल पे जाएंगे तो 7 6 ज़ा 42, 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63 आ रहा है। इसी तरह फिर आगे हम देखें तो हमारे पास ये दो एक टेबल पे जा रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, 4 नहीं जाता वैसे ही आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9 हमारे पास आ रहा है। फिर 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 जा रहा है और 3 हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब आगे देखें तो ये दोनों ये तीनों नंबर्स जो हैं किसी एक टेबल के ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो हमने इनको सारों को एज इट इज़ नीचे राइट कर लेना है। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसका लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं होता पड़ता, ठीक है। इसलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1260 आंसर आ गया, जो कि इसका LCM है। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाती हूँ। ओके सिक्स क्लास, अभी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा छोटा सा रूल बताती हूँ। वो ये हमारे पास कि हमारे पास अगर कोई भी दो गिवन नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इक्वल्स टू आता है LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF के, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से एक फॉर्मूला है जो लिखा जाता है, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से हैं, 525, ठीक है, एंड 1155, ठीक है, इस 105 और फाइंड LCM, ठीक है। यानी ये उन्होंने स्टेटमेंट इसलिए दिए है कि फर्स्ट नंबर जो है 525 है, सेकंड नंबर जो है 1155 है, ठीक है, यानी 1155 है, ठीक है, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो उसने हमें 105 दिया हुआ है और LCM जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। सेम यही वाला फॉर्मूला है, आप लोग इसको यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हमने दोनों यहाँ लिख दिए मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, इक्वल्स टू आया HCF 105 पुट कर दी और LCM हमने वैसे ही राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अननोन क्या है LCM है और इसका रिलेशन क्या है 105 के साथ मल्टीप्लीकेशन का है, तो इसने 105 ने दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाना है, ठीक है। तो ये 525 मल्टीप्लाइड बाय 1155 डिवाइडेड बाय 105 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप किसी भी टेबल पे कट कर सकते हैं, 5 के टेबल पे भी जा रहा है ये, आप लोग इसको इसकी लोएस्ट टर्म में खुद लेके आ सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको आसानी लगती हो। तो LCM हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा,
ये 5775 हमारे पास इसका आंसर निकल आता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें उसने द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 660 और 2100 दिया है, यानी 660 जो है ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर जो है 2100 है, और इसका एलसीएम जो गिवन दिया हुआ है वो उसने 23100 जो है वो दिया है। ठीक है, और एचसीएफ जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है आप लोगों ने, सेम यही वाला जो रूल है आप लोग लगाएंगे इसको और इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, वो उसमें उसने कहा है द हाइस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स आर 29 एंड 3045। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 29 है और एलसीएम जो है वो 3045 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 435, अगर एक नंबर जो है यानी फर्स्ट नंबर इसको हम रखेंगे 435 है, तो इसका सेकंड नंबर जो है हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर जो होगा वो अननोन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह है अननोन करके इसको, तो हमने फर्स्ट नंबर को इसके नीचे ले जाके डिवाइड कर देना है और यूँ हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों की होम टास्क है, आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, उसमें उसने कहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 16। ठीक है, यानी एचसीएफ जो है उसने हमें यहाँ पे 16 दिया है एंड देयर प्रोडक्ट इज 3328 और इन दोनों का प्रोडक्ट जो दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो उसने हमें दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, ठीक है, ये हमारे पास 3328 है और उसने हमें कहा है फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला है यहाँ पे राइट कर दिया गया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स था तो वो ये है हमारे पास 3328, वो हमने यहाँ राइट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसकी वैल्यू 16 यहाँ पुट कर दी, एलसीएम जो हमने उसको वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन के लिए रिलेशन है तो 16 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पर जाके, तो एलसीएम इक्वल्स टू आ जाएगा 3328 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको आप 2 के टेबल के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं कट करना। ठीक है, कटिंग आप लोगों ने खुद करनी है इसकी, करके तो हमारे पास एलसीएम जो है वो 208 हमारे पास निकल रहा है। ठीक है, यानी इसकी लोएस्ट टर्म में जब हम इसके आते हैं तो ये हमारे पास 208 आंसर हमें मिल रहा है। अब आप लोगों की डायरी डेज हैं, ठीक है, ट्यूसडे 30 है, आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। ठीक है, वेनेसडे 1st बनती है, आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है। थर्सडे 2nd को आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फ्राइडे 3-8 बनती है, आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। सैटरडे 4th को आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है और मंडे 6th को आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 करना है। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हुए हैं, जो करवाए हुए हैं उनको आप लोगों ने समझना है अच्छी तरह से, और जो नहीं करवाए हुए उन सारों को आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर उतारना है। ठीक है, ये करना है उनको। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ के आप लोगों ने करना है। थैंक यू।